ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप की अंडर वाटर फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो आप लोग सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, ये वीडियो तो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइज, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आपको जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइज, यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को पहले ऐड करना है, ठीक है। तो मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज आप सभी को जो मॉडल का साइज वगैरह है वो गाइज कितना रखना है आप सभी को, गाइज कुछ इस टाइप से आपको रखना है, ठीक है। इतना हाइट आप सभी को अपने मॉडल का रखना है, जैसे ही गाइज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देन गाइज इतना कर देने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को यार चेयर को रेज करना पड़ेगा क्योंकि चेयर जो हमारी थोड़ी बाहर की तरफ आ रही है, तो हम इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। एंड गाइज इतना कर देने के बाद गाइज आप सभी को फिर क्या करना है, आपको गाइस इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे डन नहीं करना है गाइस, ठीक है। आप सभी को यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। सो यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से गाइस एक लेंगे हमारे से वो जो फिश है हमारी फिश टैंक की पीएनजी, हम पहले उसको ले लेंगे। एंड यहाँ पे गाइस ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप जैसे वो फुल स्क्रीन में करोगे वैसे ही आपके मतलब कि ऐड हो जाएगा, बाकी अगर नहीं होता तो आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। पहले तो गाइस हम ना इसको पहले मूव बैक कर लेते हैं क्योंकि यार हमें ना थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ाना है मॉडल के। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ह्यू में देख लेते हैं, अगर ह्यू में मिल जाता तो हम ह्यू से कर लेंगे, बट यार ह्यू में इतना खास लग नहीं रहा मेरे को, तो उसको हम यहाँ पे पहले जीरो पे कर देते हैं। एंड यहाँ से हम टेम्परेचर को एक बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर हम चलेंगे एंड टेम्परेचर को हम माइनस की तरफ ले जाएंगे, तो गाइस देखिए ब्लू टोन हमारा यहाँ पे आ रहा है मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट है, अब इसको हम माइनस 100 तक कर देंगे एंड यहाँ पे करेंगे डन। फिर गाइस आपको क्या करना है, आप सभी को गाइस यहाँ से अभी जो हमने पीएनजी लिया था गाइस, ठीक है, जो हमारा पीएनजी बैग है यहाँ पे, हम उसको पहले मूव अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है, अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से हम इसको लेकर चलेंगे यहाँ से इरेजर टूल में, ठीक है, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है कुछ यहाँ पे इरेज भी करना पड़ेगा। तो अभी हम पहले इसका साइज वगैरह कर लेते अच्छे से, तो इतना परफेक्ट है। अब इरेज करने के लिए पहले हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे क्योंकि अगर ओपेसिटी कम करें पता चल जाता है हमें कितना रखना है, ठीक है, मतलब ये कितना इरेज करना है। फिर फोटो कम जूम करेंगे, यहाँ से हम फटाफट इरेज करेंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूँ फटाफट। ओके गाइज, सो इतना हो जाने के बाद आपको ओपेसिटी फुल करना है। फिर गाइज आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइज यहाँ से लेना आप सभी को ब्लैक वाला पीएनजी एंड इसको करना है फुल स्क्रीन। इरेजर टूल में जाना, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करना है एंड फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद आपको जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए आपको सिंपली वहाँ वहाँ पे ऐसे पेंट करना है, ठीक है। तो जैसे ही गाइज मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप सभी को पेंट करना है। फिर गाइज आपको आगे क्या करना है गाइज वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो पहले तो अभी हम इसको यहाँ पे पेंट करते हैं। एंड गाइज अभी आप में से कुछ भाइयों को ऐसा लग रहा होगा कैसे शेडो बन रही है हमारे, तो पूरा साफ पता चल रहा है, बट गाइज सबका सॉल्यूशन है तुम्हारे भाई के पास। तो अभी यहाँ पे इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है गाइज उसमें जाके आपको यहाँ पे मूव बैक करना है एंड मूव बैक करने के बाद गाइज ओपेसिटी कम कर लेना एंड जो शेडो जो है हमारी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। सो देख सकते हैं आप शेडो हमारी यहाँ बन चुकी है। अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम इसको कर देंगे डन, ठीक है। बट गाइज अभी हमें लगाना है यहाँ पे बबल्स के पीएनजी, तो हम इसको पहले ऐड करते हैं। एंड इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना है। एंड ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद आप सबको सिंपली अपने हैंड के पास कुछ इस साइड से कोने के साइड में ऐसे लगाना है, ठीक है। बट गाइज अभी यहाँ पे देख रहे आपको दिख रहा होगा कुछ लाइनिंग वगैरह आ रही है यहाँ पे, तो अभी हमें इसे रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा कॉन्ट्रास्ट में। तो हम ऐसे कॉन्ट्रास्ट लेते हैं एंड इसको जो कॉन्ट्रास्ट हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो पूरा 100 कर देते हैं, इतना 88 तक कर देते हैं, परफेक्ट है, ठीक है। तो वो गायब हो चुका है, अब यहाँ पे डन करते हैं। अब गाइज हमारी रहती है एक लास्ट पीएनजी जो कि गाइज हमारी फोटो में एकदम अलग ही लुक लाएगी, तो हम इसको ले लेते हैं एंड आप इसको फुल स्क्रीन करते हैं एंड देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा लुक आ रहा है इसके वजह से, हमारी फोटो एकदम अच्छी सी लग रही है। अब इसको करते हैं हम डन, अब इसको यहाँ पे सेव करेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में क्योंकि यार रीटच करना बहुत जरूरी है फोटो में। तो हमने इसको ऐड कर रखा है पहले से ही। तो पहले तो गाइस आपको ऑटो वाला टूल लेना गाइस, अगर आपको ये मतलब कि एडजस्टमेंट अच्छी लगती है तो आपको ये रहने देना, बाकी यार यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा हो चुका है तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो उसके बाद आप सबको फिर ये करना है, आप सबको जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, मिक्स टूल में जाना है, यहाँ पे आप सभी को ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है पहले एंड इसका जो सेचुरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे एंड जो ल्यूमिनस है उसको भी बढ़ा देंगे ताकि फेस ब्राइट हो जाए। फिर गाइस जी आपको ये ब्लू कलर में जाके आपको यहाँ पे ह्यू चेंज कर सकते हो आप जितना मर्जी चाहो, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना, आपको जाना पर्पल कलर में, इसका सेचुरेशन यहाँ पे माइनस करना है, येलो कलर लेना इसका सेचुरेशन माइनस करना है एंड ग्रीन कलर का ही कर देना है। फिर गाइस यहाँ पे डन कर देना है एंड जाना है यहाँ से नीचे वाले टूल में। तो हम इस वाले टूल में चलते हैं, पहले इसकी हम क्लियरिटी बढ़ाएंगे एंड इसमें हल्का सा विग्रेट डालेंगे
एंड यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे ग्रेन माउंट मिलेगा, हम इसको थोड़ा सा ग्रेन माउंट बढ़ा देंगे। फिर जाएंगे यहाँ से हम नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस नोड रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं फोटो का रिजल्ट आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।